ये तस्वीरें कैथल की हैं, जहां कुट्टू का आटा खाने के बाद 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ये घटना मॉडल टाउन की है। परिजनों का आरोप है कि कल बीती रात उन्होंने राजेश किराना स्टोर से कुट्टू का आटा लेकर आए थे, जिसे खाने के बाद 8 लोगों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। परिजनों का तो ये भी कहना है कि या तो कुट्टू का आटा पुराना था या फिर उसमें जहर मिला दिया गया है। सर, ये कल 6 बजे के आसपास कुट्टू का आटा लेके आए थे, किराने राजेश किराना स्टोर है, उसके डैडी का नाम कुलवंत राय है, सोंगल के हैं वो, तो उन्होंने कोई पुराना साल 2 साल का पुराना आटा दे दिया है या मिक्स करा हुआ दे दिया, कैसे दिया है भी, जो भी मिलावट वगैरह आटा। इन्होंने जो पकोड़े रोटी बनाई है, खाते ही 1.5 घंटे के बाद सारे बेहोश हो गए, सबके उल्टियाँ और सब बुरा हाल हो गया इनके। 11:30-12 बजे के आसपास इनको दाखिल कराया डॉक्टर साके अस्पताल में हमने, उसके बाद अभी भी इनका रिजल्ट बेकार ही है। कोई पुलिस को शिकायत वगैरह? पुलिस केस कर दिया जी। अच्छा, कोई आई है पुलिस? पुलिस आ गई, रिपोर्ट लिख के ले गई थी। अच्छा, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया उनको। क्या मांग करते हो? सर, यही मांग है जी, जो बच्चे हैं भविष्य है, ये तो भाई उसको कम से कम इसको सबक तो मिलना चाहिए भाई। हमने कोई उनसे पैसे लेने नहीं, कुछ करना नहीं भाई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मेन तो। कुछ भी हो जी, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कानून को। तो कितने बीमार हो हैं परिवार? हमारे 7 मेंबर है जी यहाँ पे जो पड़े हैं इस टाइम मौके पे। बच्चे कितने? बच्चे हैं जी 5, 4 बच्चे हैं, 3 बड़े हैं। इस मामले में अभी तक किराना स्टोर के मालिक की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज किया गया है ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुट्टू का आटा खाने के बाद 4 बच्चों समेत 7 लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।